राजस्थान में सियासत काफी दिनों से गर्माई हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात के बाद अब राजस्थान सरकार पर मंडराता संकट फिलहाल के लिए टल गया है। सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों को यह भरोसा दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें, इस संकट को सुलझाने के लिए चार फॉर्मूलों की राजनीति को भी अमल में लाया गया है, लेकिन राजस्थान पर भले ही खतरा टल गया है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी से हुए समझौते में यह तय हो गया है कि अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, यह बगावत सिर्फ इसी वजह से की गई थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वह मुख्यमंत्री के पद पर ही रहेंगे। इसके बाद यह सवाल उठाया जा रहा था कि सचिन पायलट को क्या उनका पद वापस मिलेगा, लेकिन यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। अगर सूत्रों की बात माने तो उन्हें प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद दिए जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। अब प्रदेश में सरकार चलाने के लिए अब 3 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी जो बागी विधायकों की समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। इसमें कमेटी में कौन सदस्य होंगे और कौन सदस्य नहीं होंगे, उनके नाम अभी तय नहीं है। सचिन पायलट के समर्थन में 18 बागी कांग्रेसी विधायकों को प्रदेश सरकार में अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन किसको क्या पद मिलने वाला है यह अभी तक फिलहाल तय नहीं किया गया है। इसके बाद ये महसूस किया जा सकता है कि राजस्थान सरकार पर खतरा टल गया हो लेकिन खत्म नहीं हुआ है। पहला सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। इस पर सीएम बदलने की मांग को मंजूरी नहीं दी गई है और गहलोत ही सीएम रहेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट की वापसी से उन्हें अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद फिर मिलेगा। आपको बता दें, यह आसान नहीं है। गहलोत खेमा अब सचिन की वापसी नहीं चाहता। 2 बार हुई कैबिनेट मीटिंग में यही मैसेज दिया गया है कि अब सचिन की वापसी उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व में समझौता हुआ है तो शायद उन्हें कोई सम्मानजनक पद भी वापस मिल सकता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार पर खतरा अभी भी बरकरार रहेगा। तो आपको बता दें, सचिन पायलट की वापसी से सरकार पर संकट टल गया है। सचिन पायलट खेमे के 22 विधायकों के साथ गहलोत के खेमे के 102 विधायक मिलाकर अब संख्या 124 हो गई है, लेकिन गहलोत के 100 विधायक 12 अगस्त तक जैसलमेर में ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ही अब यह नहीं मान रही है कि उन पर खतरा खत्म हो गया है। एक सवाल बार बार यह भी किया जा रहा है कि क्या हटाए गए मंत्रियों को फिर वही पद वापस मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि उन्हें मंत्रालय वापस मिलेंगे। सचिन पायलट की जाने के बाद राजस्थान सरकार अपने 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही थी। इनमें से 2 विधायक सीपीएम के थे और 2 बीपीटी के विधायक थे। सचिन पायलट के पास 19 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक मिलाकर कुल 22 विधायक हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट की वापसी के बाद अब सरकार के पास 124 विधायक हो गए हैं, जो बहुमत से कुल 23 ज्यादा हैं। राजस्थान में इस राजनीति के बाद भले ही सरकार पर खतरा अभी कम हो पाया है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। अब देखना यह है जो राजस्थान सरकार में सचिन पायलट की वापसी के बाद क्या बदलाव आते हैं, सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों को अब कौन से पद दिए जाते हैं।